दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टी आर एस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है कोई एक स्टार कैसे बन सकता है According to you. जितनी भी आपने आपने देखी है, आपने बहुत सारे लोगों की श्रद्धा कपूर um, um, का फर्स्ट ऑडिशन हो चाहे राजकुमार हो अफकोर्स सुशांत गिरापुर कृति फातिमा पंकज त्रिपाठी नवादुद्दीन सिद्की अयूब एंड मिनाल ठाकुर एंड तृप्ति डिमरी एंड अविनाश तिवारी तो सबको बहुत क्लोजली देखा है आई थिंक तो जयदीप बलावत मतलब सबको विजय वर्मा सबको डिटेल में देखा है उनके फर्स्ट ऑडिशन थे आज तक उन जर्नी को फॉलो किया है आई थिंक दन थिंग नोटिस अबाउट ऑल दिस पीपल्ट वेरी 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 ऑनेस्ट टूबर्ट क्राफ्ट Okay. When they act, they act, are absolutely honest. I always say that कि आप जब आप कैमरा के सामने होते हो अगर आप जितने honest हो आपकी लाइफ उतनी आसान हो जाती है ये ज्यादा समझाने की जरूरत है आपको। क्योंकि तो होता क्या कि जब आप हम हम बहुत आसान लगता है कि ऑनिस्टी ऑनेस्टी हम लोग बहुत ज्यादा ऑनिस्टी पे बात करते हैं ना एज एन एक्टर ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ एक्टिंग की तरफ फोकस कर रहे हो यूर नॉट फोकसिंग ऑन कि मैं मेरा होगा कि नहीं होगा मैं मतलब उस 30 के लिए आप, बन चुके हो। आप उस वक्त सिर्फ आप एक्टिंग के बारे में सोच रहे हो कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो और परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हो जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि राजकुमार राव को लाइफ में जितनी इत, बार भी ऑडिशन किया ना उसने हर बार क्रैक किया है राइट फ्रॉम

जो अंदर होता वो देता। you, yeah, यही है जो छुपा नहीं सकते हो ना आप, आपके अंदर में जितने चला के ना वो सब कैमरा पे सब दिखते हैं सब दिखते हैं मैंने बहुत सारे एक्टर को देखा है ऑडिशन करते हुए वो सोचते रहते हैं कि अरे मुझे जज कर रहे हैं अच्छा करूंगा कि कर नहीं करूँगा अरे मेरे बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे मेरी स्किन ठीक लग रही है कि नहीं लग रही तो समझ में आ जाता है कि नॉट फोकसिंग ऑन द परफॉर्मेंस ये सब भी आप देखते हो देख दो मैं अब लुक्स नहीं देखता हूँ मैं इसे ये देखता हूँ कि वो वो क्या देख रहे हैं वो परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहा है कि वो बाकी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अच्छा एक्टर होता है ना वो अच्छा दिखने लगता है नथिंग इज मोर खूबसूरत देन योर टैलेंट मैं मृनाल ठाकुर के बारे में बात करना चाहूँगा उनके स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में बात करना अभी अभी, बहुत रिश्ता है, बहुत अच्छी। से अब तक का बहुत है। अभी कि उनकी बहुत ग्रोथ अभी बाकी है। लोगों ने पूरी उनकी ग्रोथ देखी नहीं है बट वेरी मैंने स्क्रीन उनके जैसे टाइम के बाद देखा स्क्रीन प्रेजेंस मैंने किया सीताराम उसके अंदर जैसे वो लगे हैं आई डोंट कैन लुक लाइक दैट मतलब मैंने जर्जी भी देखी है और फिर ऋतिक रोशन के साथ सुपर थर्टी भी देखी है उसमें भी शी द शो जस्ट वो थोड़े सीन्स बट <laughs> क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस एल जल जी जो हम सुपर थर्टी कास्टिंग कर रहे थे ना एट मिनाल हमने बहुत से लोगों को ऑडिशन किया था क्योंकि वो इतना बड़ा रोल नहीं था कि हम किसी उस वक्त ऐसा बोलते हुए बहुत अजीब लगता है किसी बड़ी हीरोइन के पास जाए वो रोल बहुत छोटा था जो मेरी क्लासिक लोगों को मैं देखा था उस सीन में जिस हिसाब तो से किया था फिर मैं बार बार बोलता हूँ जितना प्योरिटी से उसने परफॉर्म किया था आई थिंक जिस दिन उसने ऑडिशन दिया था उसके आधे घंटे बाद वो लॉक हो गए थे

रणवीर कपूर उस पर एक्टिंग जस्ती है मतलब वो खड़ा होता है और उस पर राजकुमार राव पे एक्टिंग जस्ती है इफ यू मीट इन पर्सन आपको लगेगा कि नहीं ऐसे ही आप उसको कैमरा में देखोगे नवाजुद्दीन सिद्ध के मनोज वाजपेयी उन पर एक्टिंग जस्ती है यू सी बीको मात्रे यू सी अलीगढ़ यू सी द लास्ट ऑल मनोज वाजपेयी यू सी हाउ ही इज उन पर फैमिली मैन उन पर एक्टिंग जस्ती है पहले आपको जस्ट नहीं चाहिए ये होता क्यों है

ये डेवलप नहीं कर सकता ये डेवलप नहीं करते। ये आप तभी करते जब आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो अपने शो पे बेसिकली हाँ। तो यही कहा कि कांतारा के एंड में जो क्लाइमैक्स दिखाया गया वो एक डिवाइन एनर्जी थी उस क्लाइमैक्स में यानी हाँ। कि भगवान खुद आ गए उस क्लाइमैक्स में और इसलिए जिन लोगों ने कांतारा देखी थी एंड में ना उनके हाथ ऐसे जुड़ गए स्क्रीन के सामने ऑटोमेटिकली हाँ। आप बेसिकली फ्लो स्टेट को समझाने के लिए यही कह रहे हो कि कुछ हायर एनर्जी आ जाती है लोगों में जिनकी वजह से उनकी एक्टिंग ज़्यादा बेहतर वो, वो चाहिए हम सबके लाइफ सब अच्छी बुरी negative, positive, एक होती है। hmm. उस आपने पकड़ लेना है चाहे वो पॉजिटिव है अगर आपने वो एनर्जी आपके अंदर आ गई यूर से फुल ग्राफ ग्रोथ ग्राफ यू कैन सी क्योंकि वो आपको सडनली लाइज हो जाता है कि समथिंग मिसिंग इन माई लाइफ वो सडनली आपको एक फिल्म के थ्रू मिल जाता है फिर वो जब आपको वो सुर मिल जाता है देन यू कंटिन्यू देट और कॉकटेल जो दीपिका पादन के साथ हुआ था वो अब तक कंटिन्यू है yeah. आप उससे पीछे नहीं जाते हो फिर अगर आपको एक बार वो सुर मिल गया आप एक बार कनेक्ट हो गए एज एन एक्टर विद योर हार्ट देन योर सैट देन आप कभी भी खराब परफॉर्मेंस नहीं करोगे स्पिरिचुअलिटी का रोल रहता है एक्टिंग या मैं मानता ओके okay, मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एज एन आर्टिस्ट ठीक है मैं एक राइटर हूं जब मैंने मेडिटेशन की शुरुआत करी मैंने ये देखा कि मेरे खुद के दिमाग में से अलग अलग माइक्रो इमोशंस भी मैं टैप इन कर सकता था यानी कि मान लो आपके सारे इमोशंस एक पिज्जा की तरह होते हैं और इनिशियली आपके करियर के इनिशियल स्टेजेस में आप सिर्फ खुशी दुख आम, जेलिस और गुस्से को टैप इन कर सकते हो एक बार आपने मेडिटेशन स्टार्ट करी आपने घुसे आप, आप उस हो भी होता है ना छोटा है टुकड़ो तो में और डिटेल में जा सकते हो मेरे जितने भी एक्टर फ्रेंड्स है मैं उनको कहते मेडिटेशन स्टार्ट करो खुद को जानो आप खुद को जानो आपका क्राफ्ट भी ज्यादा इंप्रूव होगा बट मैं आपको पूछना चाहूंगा क्योंकि आप इंचार्ज हो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में हंड्रेड परसेंट क्योंकि मुझे खुद को जरूरत है मेडिटेशन की क्योंकि जब आप एक अपने आप को कंट्रोल करते हो चीज़ों को लेकर आप बेटर काम कर पाते हो आपको हर कैरेक्टर के बाद एक पीस चाहिए होता है टू कम आउट ऑफ दैट कैरेक्टर एंड गेट इन टू अदर कैरेक्टर तो आपको अपने आप को भी होल्ड करने के लिए मेडिटेशन चाहिए कि जैसे मनोज वाजपेयी के साथ मैंने कई बार एक्टिंग पे बात करता तो वो क्या करते हैं हर कैरेक्टर के बाद ना दो दिन ब्रेक ले लेते हैं वो एकदम ऐसे स्टेप आउट हो जाते हैं एक से अभी बस उस पर बात नहीं करूँगा आप एक बार यार आप किसी के अंदर घुस रहे हो तो आप अपने सारी इमोशन सारी फीलिंग उसके अंदर डाल रहे हो पर अल्टीमेटली वो आप ही की तो फीलिंग है फीलिंग तो कहीं खरीद के नहीं लाया है तो आप ही के रो तो आप ही रहे हो इरफान खान भी यही करते थे रो तो आप ही रहे हो फील तो आप ही को हो रहा है लेकिन उस प्रोसेस से आप रोज़ गुजरते हो तो वो आप ही हो इसलिए आपको मेडिटेशन और पीस में रहना बहुत ज़रूरी है इसलिए हम लोग लोगों को बोलते हैं कि योगा करो या माइंड को रिलैक्स करो मैं खुद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद इसकी तलाश में हूँ कि मुझे कब मौक़ा मिले कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ पर यह बहुत ज़रूरी है जैसे मुझे याद है कि शाहिद कपूर ड्यूरिंग कबीर सिंह के टाइम पे ही वेरी पर मूड आई फिगर कि वाई बिकॉज वो क्या कबीर सिंह के कैरेक्टर में था वो दिन भर उसका एक प्रोसेस रहता था कि वो इतना इरिटेटेड इतना एंग्री उस टच में रहता था I'm a bloody surgeon. I'm a bloody... <laughs> और जब वो क्योंकि वो बहुत बहुत मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि शायद और मैं एक क्लास में थे जिम में 22 साल पहले एक बैच में थे वर्कशॉप कर रहे थे नसीर भाई के मैं तब से देखा है वो पेप्सी के से लेके अब तक देखा है वो कैसे इतना मतलब फर्जी भी आप देखो मालूम चलेगा कि वो इतना देता है अपनी एनर्जी को ऐसे एनर्जी को देता है कि उसको निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है तो वो इसलिए योगा पीस बहुत है। वो हर करते हो बारे बहुत से कर हाँ, तो वो यार आपको इंटरनल पीस की जरूरत होती है आप इतना कुछ देते हो एज एन एक्टर कोई खाली जॉब नहीं है

आपको ऑफकोर्स आप आई अंडरस्टैंड करते हो आप तो जिम जाके वॉकआउट करके डाइट प्लान करके भी आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो पूरा मेंटली फिट रखने के लिए लोग कर रहे हैं योगा मेडिटेशन ये उसके लिए कर रहे हैं फिट रहने के लिए तो आपके पास वर्कआउट करो डाइट करो हायर बिगेस्ट ट्रेनर और सब मिल जाएंगे आपको लेकिन पीस के लिए तो आपको खुद ही इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा जो आप अपने आप से कनेक्टेड हो वैन यू कनेक्टेड टू द गॉड और उस कनेक्शन से क्राफ्ट आपका बेहतर होता जाएगा होना ही चाहिए और क्या है मैं भी तो जब कास्टिंग करता हूँ तो मुझे को भी एक प्रोसेस पर जाना पड़ता है ना कि फिल्म कैसी होगी इस फिल्म का सेटअप गुजरात में है क्या है तो सोचना है तो कैसे कैसे कैरेक्टर दिखेंगे कैसे कैसे फैसे दिमाग में आएंगे कैसे कैसे मुझे लोग ढूंढ रहे हैं कि दंगल में कैसे लोग होंगे सुपर सिटी में कैसे बच्चे दिखेंगे बिकॉज मेरे पास तो कुछ नहीं आई ओनली विजुलाइज द कैरेक्टर मैं तो नहींजुलाइज विजुलाइज ही करता हूँ ना मुझे तो पेपर में लिखा है मैं पढ़ता हूँ कि क्या दिख रहा है मुझे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टी क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए